आज हम आए थे चौकीबल से टीपी साधना स्नो देखने। सब लोग बोल रहे हैं स्नो 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 नहीं हुई इस बार, तो भाई स्नो हुई है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ियां अपनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी और आना पड़ेगा अगर आपको स्नो देखनी है। ठीक है, इस टाइम में स्नो में खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। कम ही सही बट स्नो है, स्नो ही कहते हैं इसे हम। देख सकते हो आप, ठीक है भाई। वो अपने यार दोस्त भी आए हुए थे, वो अंदर है दुकान में, तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा भी ना। ऊपर जाएंगे साधना वगैरह की तरफ तो सारा सीन दिखाएंगे आपको, बने रहिए। तो यारों ने बताया ठीक है चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पॉइंट तो है ही। ये अपनी डिक्रो खड़ी है, तो ये अपने भाई का चाय पॉइंट। आते हो ना यहाँ पे, सब कुछ चाय मैगी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। और बुखारी भी भाई ने लगा के रखी हुई है, किसी भाई को कुछ गर्मी वर्मी करनी होगी अच्छे से कर सकता है। ये मेरे सारे मुश्टंडे दोस्त बुखारी के साइड साइड से आ चुके हैं, देख सकते हो आप। ये भाई का यहाँ पे एक स्टॉल टाइप है ना भाई, आते हो आज भी आपको ना इस माइनस टेम्परेचर में भाई यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई के लिए सल्यूट बनता है। साधना की तरफ, तो जिस भाई को भी ना बर्फ का नजारा लेना है वो आ सकता है साधना की तरफ। चौकीबल में तो बर्फ नहीं हुई है, टीपी साधना पे बर्फ हो रखी है। भाई लोगों ने कांगड़ी भी साथ उठा रखी है, पता नहीं इतनी कौन सी ठंड थी। खैर ये तो हथियार है कश्मीरियों का। तो भाई अगर आपको बर्फ के नजारे लेने ना, आ सकते हो भाई साधना टीपी में, बर्फ पड़ी हुई है। जो भी हमारे आउटसाइड के टूरिस्ट हैं या लोकल टूरिस्ट हैं जिनको ना बर्फ का नजारा लेना है, जो ना मतलब बर्फ के शौकीन है, तो आ जाओ भाई लोग। बर्फ पड़ी हुई है बिल्कुल एकदम ना, सेक्सी सीन है भाई, दिखा देंगे आपको सारा सीन ना। हमने वीडियो ले रखी है, क्या ही नजारा है इस टाइम हमारे इधर का ना साधना साइड का। कुपवारा में आना पड़ेगा आपको, कुपवारा से चौकीबल, चौकीबल से टीपी, टीपी से साधना। जो भाई आए हैं उनको तो पता है, जो नहीं आए उनको हम बता रहे हैं। तो भाई अलग ही सीन है ना इस टाइम यहाँ का, देख सकते हैं। हमारे दोस्त, एक दोस्त हमारा नहीं आ रहा, इसको भी ले आते हैं, मुशरफ भाई को भी। फिर ये बोलेगा भाई तूने अपनी वीडियो में नहीं लाया मेरे को। खैर इसको भी ले आते हैं। तो वो साहिल भाई है, वो वेस भाई है, और ये रहे अपने बिट्टू पंजाबी सजाद भाई। लोग चेक करो अपने साधना का क्या ही नजारा है। देखो भाई आपको पूरे विजुअल्स दिखाते हैं ना, स्नो पॉइंट पूरा दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई हमारे टूरिस्ट भाई लोग जब यहाँ पे आएंगे तो कहाँ उनका वापस जाने का दिल करेगा। ये देखो ये अपने भाई हैं फेरन लगा के। क्यों भाई ऐसा मुंह क्यों बना रखा है भाई, टूरिस्ट प्लेस पे खड़ा है तू। और वो जा रहा है अपना सजाद भाई, ये अपना मुशरफ भाई। भाई भाई इधर मुड़ना, इधर मुड़। वो साहिल भाई, साहिल भाई उधर क्या कर रहे हैं? ये है अपनी डीक्रो किया कारंस, दिखाते हैं ना आपको पूरा सीन। पूरी स्नो है भाई, चेक करो। ये देखो भाई लोग, भाई लोग हम साधना आए थे घूमने के लिए, ठीक है स्नो पॉइंट पे आए थे स्नो देखने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था स्नो नहीं देखी। इस साल ना भाई लोग स्नोफॉल हुआ ही नहीं, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी 3 फीट 4 फीट तो नॉर्मल बर्फ होती है, बट इस बार हुई नहीं। तो मन कर रहा था स्नो देख के आते हैं, क्योंकि कल वैसे भी हम जा ही रहे हैं, करते हैं ना आपको वापसी का भी नजारा थोड़ा ना बैक कैमरा से। तो देखिए किस तरह की वाइब है ना हमारे इस लोकल एरिया की। आओ यार एक बार आओ, विजिट करो। अगर नेक्स्ट टाइम आपका आने का मन नहीं किया तो बात करना। ये ना विजुअल्स देखो यार, गुलमर्ग गए हो आप लोग, टंगमर्ग गए हो, सोनामर्ग गए हो, पहलगाम गए हो, वो डेस्टिनेशंस अलग ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है भाई। एक बार आओ चेक करो, मतलब ना फील करोगे आप लोग ना कि वाई कश्मीर इज कॉल्ड जन्नत। चुके हैं हम टीपी, जिसका सेकंड नेम है लवर्स पॉइंट। ठीक है, गर्मियों में तो भाई यहाँ पे क्या ही नजारे होते हैं, क्या ही बताएं आपको। सुबह शाम ना टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट, आउटसाइड टूरिस्ट्स ना रहते हैं। ये जो वे है ना भाई, ये जाता है बंगस को, वर्जन वैली बंगस को। ठीक है भाई, तो कभी भी आते हो जाना यहाँ से, हम वहाँ जा नहीं रहे इस टाइम, नहीं तो आपको थोड़े बहुत विजुअल्स तो दिखाई देते किस तरह का रोड है, कैसा रोड है। तो ये अपना टीपी है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं आके, यहाँ पे आके ना भाई लोग मतलब थोड़ा रेस्ट मार लेते हैं, जो टंगडार रंगडार से आए होते हैं, गाड़ियाँ भी ठंडी हो जाती हैं, भाई भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये पहुँच चुके हैं हम रंगवाड़। ठीक है, इस जगह को ना, इस गांव को रंगवाड़ कहते हैं। तो कोई भी अपना टूरिस्ट भाई अगर आता है तो उनके दिमाग में ये होता है यार अगर हम गए हमें लेट हो गया, मतलब ना यहाँ पे घूमते घूमते तो हम रात को कहाँ जाएंगे। यहाँ के लोगों ने होम स्टे का इंतजाम रखा हुआ है, सारी मतलब हीटिंग अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, बिस्तर मिलेगा, रहने के लिए अच्छा शेल्टर मिलेगा, अच्छा रूम मिलेगा। ठीक है, कोई भी डरने की बात नहीं है, पूरी सेफ्टी मिलेगी, आप सेफ हो यहाँ पे बिल्कुल। ये भाई आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, पूरा वॉशरूम वगैरह सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है भाई। ठीक है, और ये यहाँ पे ना इस गांव की अलग ही वाइब है। जब आप यहाँ पे रात को स्टे करोगे और सुबह सुबह जब आप यहाँ से सनराइज देखोगे ना, तो वो कुछ अलग ही होगा, अलग ही नजारा होगा। एक बार आओ चेक करो।